नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा फेसबुक पेज लाइव पर। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ और दिल्ली सीमा पर खड़ा हूं और दिल्ली सीमा यहां से कुछ कदम दूरी पर शुरू होती है और बहादुरगढ़ का लास्ट पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप इसलिए क्योंकि आज पेट्रोल पंपों की स्ट्राइक है, ना डीजल मिलेगा ना पेट्रोल मिलेगा और वो भी कल सुबह 6 बजे तक। आप सीधा पेट्रोल पंप का दृश्य देखिए, यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल सवार आ जा रहे हैं लेकिन किसी को भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या हुआ आप लोग का, क्या करने के? पेट्रोल नहीं मिल रहा है सर। आपको पता नहीं था स्ट्राइक है? नहीं सर, नहीं पता था। आप कहाँ से भरवाएंगे? मैं तो सर नजफगढ़ अब जाऊँगा क्योंकि दिल्ली का आखिरी पंप है, लेकिन आप दिल्ली में भरवाने की बजाय यहाँ क्यों भरवाते थे? 8 रुपये सस्ता है? सस्ता है सर। जी सर। कितना? 8 रुपये सस्ता है सर। इसलिए दिल्ली से आते? दिल्ली से। जी सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो सर ये रहता हूँ झड़ौदा गाँव। झाड़ौदा गाँव में ही रहते हैं। दिल्ली से 8 रुपये सस्ता है पेट्रोल और इसीलिए दिल्ली का ग्राहक भी यहाँ पर आता था, लेकिन आज दिल्ली के ग्राहकों को वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। जिस तरीके की दिल्ली के ग्राहकों के लिए पेट्रोल भरवाने की समस्या है, ठीक वही समस्या हरियाणा का जो बॉर्डर्स है पंजाब के साथ लगता, हिमाचल के साथ लगता, उन पेट्रोल पंप के मालिकों की भी यही समस्या है। क्योंकि एक डिमांड ये भी है कि पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में डीजल पेट्रोल हरियाणा के मुकाबले सस्ता है, तो उस बॉर्डर के साथ लगते पेट्रोल पंप वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो सरकार से पेट्रोल पंप संचालकों ने ये गुहार लगाई है कि जो वैट है उसका दायरा इस तरीके से किया जाए कि जो बॉर्डर वाले राज्य हैं वहां से जो पेट्रोल पंप है उन संचालकों को नुकसान ना उठाना पड़े, उनकी सेल प्रभावित ना हो। दूसरा, पंप संचालकों की डिमांड ये है कि 3 नवंबर को जब सेंटर सरकार ने आम ग्राहकों को राहत दी और वो राहत दी कि 10 और 5 रुपये का एक्साइज घटाया, उसके बाद राज्यों ने, हरियाणा ने 12 रुपये की राहत पेट्रोल और डीजल पर दी। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर आज बिल्कुल सुनसान है और जो सेल्समैन है या पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं, मैनेजर हैं, वो आराम से बैठकर धूप सेक रहे हैं क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दियां भी आने लगी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। पहले तो पूछेंगे कि इनका भूमिका क्या है, पेट्रोल पंप ये कौन सा पेट्रोल पंप है और कहाँ पर है? ये कपूर फिलिंग स्टेशन है और ये झाड़ौदा बॉर्डर पे नजफगढ़ रोड पे पड़ता है, हरियाणा की सीमा में। तो आज सुनसान सा क्यों? आज हमारी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल, 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया था, जिस बिना पे हमने सारे हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद है आज। और एक तो डीजल में जो वैट के डिफरेंस है उस वजह से, और जो बायोडीजल के नाम पे सस्ता और नकली डीजल बेचा जा रहा है जिससे कि हमारे पेट्रोलियम वालों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, पेट्रोल पंप वालों को, उसके ऊपर रोकथाम के लिए ज्ञापन कई बार सरकार को दे चुके हैं, अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा। उस वजह से आज एसोसिएशन ने हड़ताल की आज आह्वान किया था, जिसका हम सारे एसोसिएशन के जितने भी हम मेंबर हैं सब उसका पालन कर रहे हैं। बायोडीजल की समस्या आपने जिक्र किया, बायोडीजल की तो अब लाइसेंस भी दे रही है सरकार, लेकिन बायोडीजल का इस्तेमाल गाड़ियों में थोड़ी हो सकता है? देखिए, बायोडीजल का इस्तेमाल बिल्कुल होता है, लेकिन बाहर से केमिकल वगैरह मंगा के और उसको यहाँ पे मिक्स वगैरह करके, जिससे कि पोल्यूशन भी फैलता है। और जो सेटअप ऑलरेडी हमने लगा रखा है, जो इंडस्ट्रीज में हमारा BS4 BS6 जो डीजल जा रहा है इस समय पे, जो अच्छा क्वालिटी का डीजल जा रहा है, उसका मुकाबला बायोडीजल नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा हमें नुकसान हो रहा है और इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है। बाहर से पता नहीं किस तरह का केमिकल मिला के बायोडीजल का नाम दे देते हैं उसको। अब एक्चुअल जो चीज़ है उससे एनवायरनमेंट को और इंसान को, सबको नुकसान है उससे, बायोडीजल के नाम पे जो चीज़ बेची जा रही है। लेकिन आप लोगों को जब बायोडीजल कौन सेल कर रहा है नकली डीजल करके, तो उसका पता होगा, तो आप लोग पुलिस प्रशासन को बताते क्यों नहीं? देखिए, ये तो सबको पता के भी ऐसे सरकार के हाथ के बिना ऐसा कोई काम कर नहीं सकता। तो लेकिन चलो, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे रोकथाम लगाए और हमारे साथ भी इंसाफ करे, क्योंकि आप देखो एक बार, आप पीछे, आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली से 8 रुपये प्रति लीटर। जी बिल्कुल, वो जो बोर्ड आपने देखा है दिल्ली से करीब 8 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल, जब हम आपके पेट्रोल पंप के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार हमें भी मिला जो झाड़ौदा से था। जिस तरीके से दिल्ली के पंपों को नुकसान हो रहा है और आपको तो फायदा ही हो रहा है। देखिए, पेट्रोल सस्ता है लेकिन डीजल महंगा है, और यही तो कह रहे हैं कि अगर GST ला के आपने पूरे देश में एक समान टैक्स कर दिया है, तो पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी GST लगा के एक समान कर दीजिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। यही नुकसान है बॉर्डर के पेट्रोल पंप वालों को भी, कि आप राजस्थान में से आओ, आपको 8-10 रुपये सस्ता डीजल मिल जाता है हरियाणा की सीमा में घुसते ही,
तो इससे हर एक जो भी सेटअप इतना लगाता है, खर्चा करता है, पेट्रोल पंप वाला सैलरी भी देता है, सारे परमिशंस वगैरह भी लेता है एक्सप्लोसिव की भी, इतना टैक्स जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको क्या फ़ायदा है? उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब डेली के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, मार्जिन उतना ही है, हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया गया 2017-18 के बाद से, मार्जिन उतना ही है। लेकिन स्टॉक अगर हमें 40,000 लीटर का स्टॉक रखना है तो उसमें आप ये देखो कि 20 रुपये पर लीटर का हमें अपनी जेब से डालना पड़ा है एक साल के अंदर अंदर, तो ये चीज़ भी तो हमारी जेब से ही जा रहा है। इनको सैलरी भी देनी वर्करों को, अपना भी खर्चे हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ या ऑयल कंपनीज का हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं है। तो क्या इस सांकेतिक हड़ताल से आप लोगों की डिमांड पूरी होगी? आप लोगों ने 4 डिमांड्स बताई, बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल, कमीशन की बात है, सीमावर्ती राज्यों से मुकाबले की बात है, दूसरी और क्या बात है? देखिए, यही 3-4 हमारी मुख्य डिमांड्स है कि भी हमारे की तरफ भी ऐसे देखा जाए, अब LPG कमीशन बढ़ाया गया है, कमर्शियल सिलेंडर पे भी बढ़ाया गया था, पिछले साल इस पे डोमेस्टिक सिलेंडर पे भी बढ़ाया गया, लेकिन हमारा जो है परसेंटेज के हिसाब से भी अगर ये बढ़ाएं कि पर लीटर अगर आपका 1 रुपया लीटर तेल बच रहा है तो आपका 1 पैसा कमीशन बढ़ रहा है, अगर उस हिसाब से भी चले तो जो इनका सेट क्राइटेरिया उस हिसाब से भी चले तो भी हमारा कमीशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। देखिए, महंगाई इतनी होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो सेल थी सेल भी इससे डाउन हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक रखने का, हमारी इन्वेंट्री हमें फुल रखने के लिए घर से पैसा डालना पड़ता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी समस्या होगी। कितना स्टॉक है और डेली की सेल क्या है? देखिए, अभी स्टॉक हमारा अराउंड 20,000 लीटर डीजल और 15,000 लीटर पेट्रोल होता है। अब अगर ये कल कम हो गया या कल बढ़ गया तो सारा हमारी जेब पे आता है, इसमें ना तो कंपनी हमें कोई राहत देती है ना सरकार से हमें कोई राहत मिलती है। लेकिन जब आम लोगों को सरकार ने राहत दी है तो आपने मेन पॉइंट आपको वही था कि 12 रुपए का जो नुकसान हमें हुआ एक ही रात में हो गया, लेकिन आम लोगों को तो राहत मिली, आम लोगों की राहत के आप लोगों की आफत कैसे होगी और आप लोग अब आम लोगों को परेशान क्यों? नहीं, हम आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते सर, आम लोग तो वैसे ही परेशान है, जब 30 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है तो वो तो वैसे ही परेशान है, लेकिन एकदम से जब इतना कमी की गई तो हमारा जो 20,000 लीटर पेट्रोल या डीजल पड़ा था उस पे 12 रुपए का हमें नुकसान हुआ है। लेकिन बढ़ोतरी का भी तो फायदा आप लोगों ने उठाया? नहीं, बार बढ़ोतरी हुई है, हर रोज बढ़ोतरी हुई। उसका कोई फायदा है सच नहीं होता है, क्योंकि हमें अगले दिन फिर स्टॉक उतना ही मंगाना पड़ता है, जितनी अमाउंट का हम बेचते हैं उतने का हमें इन्वेंट्री में डालना पड़ता है, तो हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें नुकसान जरूर हुआ है, हमें फायदा नहीं होता इस चीज का। देखिए, पेट्रोल पंप ओनर्स तो यही कहेंगे कि हमें नुकसान हुआ है, और वो नुकसान तो हुआ है क्योंकि एकदम से 12 रुपए घटना और स्टॉक 20,000 लीटर डीजल 15,000 लीटर पेट्रोल, ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए ही लगातार इस तरीके की स्ट्राइक करने की बात की जा रही है। और बोर्ड की तरफ मैं आपको वापस ले चलता हूँ, इस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए कि ये जो बॉर्डर का पेट्रोल पंप है जिसपे लिखा हुआ है दिल्ली से करीब 8 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल यहाँ भरवाए, हरियाणा में यानी बहादुरगढ़ में जो दिल्ली सीमा के नजफगढ़ दिल्ली सीमा के टीकरी बॉर्डर से मिलता जुलता है वहाँ 8 रुपये लीटर महंगा है पेट्रोल, डीजल दिल्ली में हरियाणा के मुकाबले सस्ता है। ये जो टैक्सीज का डिफरेंस है, वैट का है, GST का है, उस डिफरेंसेस के कारण सीमावर्ती राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें वेरी करती है। जो आज हड़ताल है उस हड़ताल का एक बिंदु ये भी है कि सीमावर्ती राज्यों में कंपटीशन होने के चक्कर में जो सीमावर्ती राज्यों के पेट्रोल पंप हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और ये नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है या तो स्टेट गवर्नमेंट राहत दे वैट के जरिए, या फिर सेंटर सरकार ऐसा करे कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी GST के दायरे में ले आए। दूसरी बात, एक्साइज ड्यूटी घटने के कारण जो 12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की भी मांग कर रहे हैं। तीसरा, कमीशन की भी डिमांड है कि कमीशन बढ़ाया जाए, 2017 से नहीं बढ़ा है। और चौथी और अहम डिमांड, जो आजकल बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल बिक रहा है, क्योंकि इन पेट्रोल पंपों से जो इंडस्ट्रीज है वो डीजल काफ़ी मात्रा में उठाती थी, और लेकिन जब से बायोडीजल मार्केट में आया है तब से पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री घटी है, प्रभावित हुई है, कमीशन बढ़ा नहीं है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि नुकसान लगातार हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई जब तक नहीं होगी, यह सांकेतिक हड़ताल है, और इस सांकेतिक हड़ताल से बात नहीं बनी तो फिर लंबी स्ट्राइक भी की जाएगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।